हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। मूवी की शुरुआत में हमें एक मैजिक शो दिखाया जाता है। यहाँ हम लुईस नाम की एक खूबसूरत सी लड़की देखते हैं, जो मैजिशियन के असिस्टेंट के रूप में काम करती है। वो उस मैजिशियन से प्यार करने लग जाती है और मैजिशियन भी उससे प्यार करता है, लेकिन एक परफॉर्मेंस के दौरान एक ट्रेजेडी हो जाती है और मैजिशियन इनविजिबल हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। उसका यूं गायब होना लूसी को डिप्रेशन में ले जाता है और उसे ये महसूस होता है कि वो जल्द ही उसके पास आ जाएगा, क्योंकि उसके पास गायब होने की शक्तियां हैं, तो वो वापस भी आ सकता है। उसका डिप्रेशन अब हेलोसिनेशन में बदल जाता है। इसकी वजह से उसे मेंटल असाइलम में भेजा जाता है। मैजिशियन के गायब होने के बाद लुईस प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी और बच्चे की डिलीवरी उसे खुद ही करनी पड़ती है। उसकी जब डिलीवरी होती है, वो बच्चा इनविजिबल है और इस बच्चे का होना ये प्रूफ करता है कि वो कोई डिल्यूजन में नहीं है। लेकिन वो नर्सेस को बताने से डरती है, क्योंकि उसके बच्चे की सच्चाई अगर सबके सामने आ गई तो वो एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, इसीलिए वो उसे सीक्रेटली रखती है। नर्सेस उसे रोज दवाइयां और खाना देने आती है, लेकिन उन्हें कभी भी इनविजिबल बच्चे का होना पता नहीं चलता। लुईस उस बच्चे का नाम एंजल रखती है। वो उसकी बहुत केयर करती है और नॉर्मल बच्चों की ही तरह उसे बड़ा भी करती है। हम देखते हैं कि वो उसे खाना सिखाती है और बोलना और लिखना भी सिखाती है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वो उसे चौक से दीवार पर लिखना भी सिखाती है। एंजल को लुईस के पुराने कपड़ों और शूज के साथ खेलना बहुत पसंद है। बस यही तरीका था जिससे वो मिरर में खुद को आधा देख सकता था। हर रात को लुईस उसको अपने बचपन की कहानी सुनाती थी, कैसे वो जंगल में एक कैबिन में रहते थे जो उसके पापा ने खरीदा था, और छुट्टियों में वो ट्रेन से लेक पर जाते थे, जो लुईस की दुनिया में सबसे फेवरेट प्लेस है। और वो ये चाहती है कि उसका बेटा भी एक दिन वो जगह जरूर देखे। वो उसे स्विमिंग भी सिखाना चाहती थी, लेकिन वो अपने बच्चे को बाहर ले जाने से डरती है। उसके बर्थडे पर लुईस ब्रेड के दोनों साइड पर पेपर रोल बनाकर जलाती है, जिससे वो केक जैसा लगे। अब साल गुजरते जाते हैं और एंजल 10 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी वो इनविजिबल ही है। अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ते जा रही है। एक शाम को वो विंडो से बाहर दिख रहा था। वो अपनी लाइफ में पहली बार उसकी उम्र की एक लड़की को देखता है। वो लड़की गार्डन में गिर जाती है, तब उसकी मॉम उसे उठाती है। अब एंजल अपनी मॉम के पास जाकर उस लड़की के बारे में बताता है। अब लुईस डर जाती है, उसका बेटा बाहर की दुनिया जानने के लिए क्यूरियस हो रहा है। वो एंजल को समझाती है कि तुम बाकियों से अलग हो और बाहर की दुनिया तुम्हें पसंद नहीं करेगी, इसीलिए उसे केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो बाकियों के नजरों में ना आए। एंजल को मॉम की बातों का असर तो पड़ता है, लेकिन उसे उस लड़की के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। वो बार बार उस लड़की को खिड़की से देखता रहता है। वो लड़की बार बार पियानो पर वो दो कीज बजाती है, वो उसको सुनता रहता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ये उम्मीद करता है कि वो उससे किसी न किसी दिन जरूर मिलेगा। एक दिन एंजल अपनी मॉम से पूछता है, खुद को मिरर में देखने से क्या होता है। लुईस उसको बताती है, मिरर में तुम खुद को और बेहतर देख सकते हो, जैसे कि तुम बाहर के लोगों को देखते हो। लुईस को यहाँ उम्मीद थी कि वो मैजिशियन उससे मिलने दोबारा जरूर आएगा। इतने साल बीतने के बाद भी उसकी उम्मीदें कम नहीं हुई थी। अब काफी सालों के बाद वो डीप डिप्रेशन में चली जाती है। अब वो बातें करना भी बंद कर देती है। अब उसके बात न करने की वजह से एंजल बहुत अकेला महसूस करता है और वो अपना पूरा दिन ड्राइंग करने में निकालता है। वो खूबसूरत लड़की उसे अपने गार्डन से देख रही थी। अब एंजल नर्वस होकर अपनी मॉम के पास दौड़ता हुआ आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे उससे मुंह फेर लेती है। बाद में नर्सेस आती हैं और वहाँ की साफ सफाई करती हैं, और इसी बीच एंजल वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी जिंदगी में पहली बार घास की जमीन पर चल रहा था, और थोड़ी ही देर में वो उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है जो झूला झूल रही थी। उस लड़की का नाम मेडिलिन था। वो उसे महसूस कर लेती है। वो उसे पास आने को कहती है। एंजल यहाँ हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो। फिर वो बताती है कि मैं तो ब्लाइंड हूँ। वो उसके स्मेल से उसका प्रेजेंस महसूस कर लेती है। जो लोग डिसेबल होते हैं उनकी बाकी सेंसेस और अच्छे से काम करने लगती है, इसीलिए मेडिलिन उसे महसूस कर पा रही थी। एंजल जिसने खुद
को कभी नहीं देखा था। वो खुद की मौजूदगी महसूस करता है। फिर मेडिलिन एंजल के हाथों को टच करती है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं, लेकिन एंजल नर्वस हो जाता है। मेडिलिन उसके जाने से पहले उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो दोबारा मिलने आएगा। मेडिलिन के ब्लाइंड होने की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसे अपनी एज के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। जैसे कि एंजल को लगता है, वो नर्सेस के साथ रूम में आता है और अपनी मॉम के साथ लेट जाता है। लुईस ने तो हंसना बोलना छोड़ दिया था। एंजल उसको बताता है कि मैंने एक दोस्त बनाई है, लेकिन लुईस कोई रिएक्ट नहीं करती। अगले दिन एंजल उससे मिलने दोबारा जाता है। मेडिलिन उसका फेस टच करती है और उसके चेहरे को इमेजिन करने लगती है। एंजल उसको बताता है कि मैं विंडो से तुमको देखता रहता हूँ और मुझे तुम्हारे पियानो की आवाज बहुत अच्छी लगती है। और ये सुनकर मेडिलिन हंसने लग जाती है, क्योंकि वो हमेशा दो कीज बजाती है और उसको कोई खास धुन नहीं आती थी। अब वो दोनों घंटों हाइड एंड सीक खेलते हैं, जबकि उनमें से एक इनविजिबल और एक ब्लाइंड है, और जल्द ही दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। अब एंजल अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता है। अब उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, इसलिए फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। मेडिलिन ये परफेक्टली अंदाजा लगा सकती थी कि एंजल उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट देख रहा है, क्योंकि वो उसकी आंखों को महसूस कर सकती है। लेकिन एंजल यहाँ अभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं था। अब मेडिलिन बताती है नेक्स्ट वीक उसकी आई की सर्जरी है, जिसके बाद वो देखने लगेगी, और वो काफी एक्साइटेड थी एंजल को देखने के लिए। लेकिन एंजल ये सब फील नहीं कर पाता। वो लोग अगला हफ्ता एक साथ बिताते हैं। फिर मेडिलिन जाने से पहले उसे बाय करती है। उसी रात को लुईस एंजल से बात करती है और उसे बुलाकर अपने साथ सोने को कहती है, और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उस कैबिन में चले जाना जो जंगल में है। जब एंजल सुबह उठता है तो उसकी मॉम मर चुकी थी। ये देखकर वो रोने लगता है। नर्स आकर जब तक वो बॉडी को नहीं ले जाते, वो उसे देखता ही रहता है। अब नर्सेस वॉल से सब कुछ मिटा देती है जो उसने ड्राइंग बनाई थी। आज तक वो रूम ही उसका घर था, अब वो भी उसे छूट जाता है। उसे लगता है कि मेडिलिन भी उसको हेट करने लगेगी जब उसे सच का पता चल जाएगा, इसलिए फिर वो उस लेक पर चला जाता है जिसके बारे में उसकी मॉम ने बताया था, और वो इमेजिन करता है कि मेडिलिन पानी से बाहर आ रही है। लेकिन वो ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। फिर वो उस जंगल के कैबिन में चला जाता है और वो उसकी विंडो तोड़कर अंदर चला जाता है। वो आसपास देखता है और सोफे पर सोने से पहले इसे अपना घर कहता है। अब हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में, और देखते ही देखते एंजल अब बड़ा हो जाता है। वो सालों से खुद से ही बात करता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि मेडिलिन उसे मिलने जरूर आएगी। अब फाइनली मेडिलिन कैबिन में आ जाती है और एंजल को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन वो अपने नजरे उसे नहीं हटाता। वो उसके सामने ही खड़ा है, लेकिन मेडिलिन उसको देख नहीं सकती। फिर मेडिलिन टाउन के आसपास एंजल के बारे में पता करती है, और उसे ये पता लगता है कि जब से वो हॉस्पिटल से वापस आई है वो तब से एंजल को ढूंढ रही है। मेडिलिन को उसकी मॉम के बारे में पता चलता है, लेकिन असाइलम के पास एंजल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो लुईस के बारे में पता लगाती है और उसको उस कैबिन का पता चल जाता है। फिर वो लुईस की कब्र पर जाकर एंजल के लिए एक लेटर छोड़ती है। उस लेटर में वो उसको अपने पास बुला रही थी। अब एंजल उसको फॉलो करता है और उसके पीछे उसके घर चला जाता है। लेकिन मेडिलिन को महसूस हो रहा था कि वो उसे देख रहा है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, इसलिए लगता है कि ये सच नहीं है। अब उसे एंजल्स के लिखे हुए लेटर मिलते हैं, जिसमें वो लिखता है कि वो भी उसे उतना ही मिस करता है जितना कि तुम करती हो, लेकिन वो उसे तभी मिलेगा जब वो उससे प्रॉमिस करे कि वो अपनी आंखें बंद रखेगी। फिर वो दोनों जंगल में मिलते हैं, और प्रॉमिस के मुताबिक मेडिलिन अपनी आंखें बंद रखती है। फिर वो दोनों साथ में घर वापस आते हैं और एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। मेडिलिन उसके फेस को महसूस करती है और उसकी सेंट की खुशबू को सूंघती है और पुरानी बातें याद करती है। उसकी स्मेल पहले से चेंज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान लेती है। अब इतने सालों के बाद उनका मिलना उन दोनों लवर्स को प्यार की गहराई में डुबा देता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि मेडिलिन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो एंजल के साथ बेड पर प्यार कर रही है। एंजल उसको पूछता है कि तुम्हारा ऑपरेशन होने के बाद जब तुम देखने लगी तो तुम्हें कैसा लगा। तब मेडिलिन कहती है कि वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। अगले एक वीक तक मेडिलिन आंखों में पट्टी
पट्टी बांधकर एंजल के साथ वक्त बिताती है। मैडिलिन की माइंड में बहुत से सवाल थे लेकिन वो उस पर गौर नहीं करती। वो लोग अपने बचपन के बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में और वो कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगे इस बारे में बात करते हैं और दोबारा वो फिर प्यार करने लग जाते हैं। फिर एंजल उसे लेक पर लेकर जाता है जो उसकी काफी सालों से फेवरेट प्लेस है। फिर मैडिलिन अपनी आंखें खोलती है और उस नजारे को देखती है लेकिन वो एंजल का फेस देखना चाहती थी। फिर एंजल उसको नेक पर किस करता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। रात हो जाती है और एंजल अपने ऊपर चादर उड़ा हुआ है। मैडिलिन ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो जैसा भी दिखता होगा वो उससे प्यार करेगी, लेकिन जब वो चादर उठाती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तब एंजल उसको सारी बातें बताता है लेकिन मैडिलिन के लिए ये सब सुनना बहुत ही वियर्ड था। वो बहुत शॉक में थी इसीलिए वो रोने लगती है। एंजल को लगने लगता है कि वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। वो देखता है कि मैडिलिन रात भर जमीन पर रोते रहती है और जब वो सो जाती है तो वो उसके ऊपर कंबल डाल देता है। वो उससे कहती है कि मैं अपनी आंखें जिंदगी भर बंद करके रखूंगी तभी हम एक साथ रह सकते हैं। लेकिन एंजल ये बिल्कुल नहीं चाहता था। जब मैडिलिन सुबह उठती है तब वो एंजल को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा है और कहता है कि वो मैडिलिन को हमेशा ही ऐसा प्यार करता रहेगा। अब मैडिलिन ये पढ़कर बहुत रोती है और फाइनली अपने बैग पैक करके वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी उसे ये एहसास होने लगता है कि एंजल कहाँ होगा। फिर वो आंखें बंद कर उसकी स्मेल लेने लगती है। तब उसे महसूस होता है कि वो लेक पर है। अब मैडिलिन लेक के किनारे पहुंच जाती है और वो एंजल को पुकारती है। वो उसकी सैंड की खुशबू से जानती है कि वो उसके आसपास ही है लेकिन एंजल उसका जवाब नहीं देता। अब अचानक पानी की आवाज आती है। यहाँ एंजल पानी में गिर गया था लेकिन उसको स्विमिंग नहीं आती थी इसलिए मैडिलिन उसको बचाने के लिए लेक में जंप करती है लेकिन वो उसे देख नहीं सकती थी और उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ खोज रही थी। लेकिन जब वो पानी में बुलबुले देखती है तब वो उसे पकड़कर किनारे ले आती है और उसे होश में लाने के लिए CPR देती है। अब मैडिलिन कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। वो उसे प्रॉमिस भी करती है कि वो उसे खुली आंखों से देखेगी जैसे कि वो बंद आंखों से देखती है। अब वो दोनों साथ ही रहते हैं। अब फाइनली मैडिलिन प्रेग्नेंट हो जाती है और उनकी एक बेटी होती है जो कि विजिबल है। फिर वो लोग एक फोटो खिंचाते हैं। फिर वो लोग अपना एक मैजिक शो खोलते हैं जो बहुत ज्यादा हिट होता है और एंड में हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ स्विमिंग कर रहे थे और इसी के बाद ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।